जिस नज़्म से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ उस नज़्म का उन्वान है दुपट्टे का फूल। मैं श्री महेश कुमार जी, श्री रामेश्वर चौधरी जी, श्री राम कल्याण सेनी जी और भाई अच्युत ठाकुर जी का स्वागत करता हूँ कि वो ऑनलाइन हैं और मुझे सुन रहे हैं। आप सबका स्वागत है। पेश करता हूँ नज़्म दुपट्टे का फूल। मैया मेरे लड़कपन में, मैया मेरे लड़कपन में जब आँख में कुछ गिर जाता था तू मुझको गोदी में उठाकर दुपट्टे का फूल बनाकर उसको फूकों से भरती थी, जाने क्या जादू करती थी। मैया मेरे लड़कपन में जब आँख में कुछ गिर जाता था तू मुझको गोदी में उठाकर दुपट्टे का फूल बनाकर उसको फूकों से भरती थी, जाने क्या जादू करती थी। फूल को आँखों पर रखते ही जैसे शिफा हो जाती थी, मुझको नींद आ जाती थी। दुपट्टे के फूल को आँखों पर रखते ही जैसे शिफा हो जाती थी, मुझको नींद आ जाती थी। मैया आज भी इन आँखों में ख्वाबों के कुछ मोटे तिनके सुबह शाम खटकते हैं। मैया आज भी इन आँखों में ख्वाबों के कुछ मोटे तिनके सुबह शाम खटकते हैं, नींद की परियां रूठ गई हैं, नींद की परियां रूठ गई हैं। जहन में एक हू का आलम है लेकिन मैया तेरा दुपट्टा तेरी फूकें कहाँ से लाऊं। मैया आज भी इन आँखों में ख्वाबों के कुछ मोटे तिनके सुबह शाम खटकते हैं, नींद की परियां रूठ गई हैं। जहन में एक हू का आलम है लेकिन मैया तेरा दुपट्टा तेरी फूकें कहाँ से लाऊं। लगता है ख्वाबों के तिनके सारी उम्र नहीं निकलेंगे, सारी उम्र यूं ही गुजरेगी, मुझको नींद नहीं आएगी, मुझको नींद नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया हजरात। इस नज़्म के अलावा मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग अलग गज़लों के कुछ मतले आपकी खिदमत में पेश करूँ। अब वैसे तो ये गज़लें हैं और किसी में 5 शेर हैं, किसी में 7 शेर हैं, लेकिन मैं सिर्फ मतले आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि मुख्तलिफ गज़लों का जो रंग है और जो मुख्तलिफ मौजूआत हैं वो आप तक पहुँच सकें। पहला जो मतला है, मुलाहजा फरमाएं कि सब्र की ओस पे जी लेते हैं सहरा वाले, सहरा रेगिस्तान। सब्र की ओस पे जी लेते हैं सहरा वाले, अपना पानी लिए बैठे रहें दरिया वाले। सब्र की ओस पे जी लेते हैं सहरा वाले, अपना पानी लिए बैठे रहें दरिया वाले। और एक और शेर देखें आप, एक और मतला है कि एक न एक बोझ मेरे सर से बंधा रहता है, एक न एक बोझ मेरे सर से बंधा रहता है, सो भी जाऊं तो कोई ख्वाब जगा रहता है। एक न एक बोझ मेरे सर से बंधा रहता है, सो भी जाऊं तो कोई ख्वाब जगा रहता है, कोई ख्वाब जगा रहता है। दोस्तों एक और
मतला है। ये भी सुन लीजिए कि दिए को सामना महताब की मिसाल का था, महताब चांद चंद्रमा, दिए को सामना महताब की मिसाल का था, मेरे बुजुर्ग न होते तो मैं कमाल का था, मेरे बुजुर्ग न होते तो मैं कमाल का था, दिए को सामना महताब की मिसाल का था, मेरे बुजुर्ग न होते तो मैं कमाल का था, मेरे बुजुर्ग न होते तो मैं कमाल का था। एक और शेर है, बल्कि मतला ही है कि जमाना छोड़ता कब था तो ऐसा कर लिया मैंने, जमाना छोड़ता कब था तो ऐसा कर लिया मैंने कि खुद को एक दिन चुपके से अगवा कर लिया मैंने, कि खुद को एक दिन चुपके से अगवा कर लिया मैंने, जमाना छोड़ता कब था तो ऐसा कर लिया मैंने कि खुद को एक दिन चुपके से अगवा कर लिया मैंने। बहुत शुक्रिया दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, स्क्रीन पर उनका कमेंट नज़र आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और जो हजरात इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं उन सबका इस्तकबाल है। दोस्तों एक और मतला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि प्यास के खोलते एहसास पे तारी हो जाएं, प्यास के खोलते एहसास पे तारी हो जाएं, आओ दरिया की तरह दश्त में तारी हो जाएं, आओ दरिया की तरह दश्त में जारी हो जाएं, प्यास के खोलते एहसास पे तारी हो जाएं, आओ दरिया की तरह दश्त में जारी हो जाएं। बहुत शुक्रिया। एक और मतला है कि तंग नजरों पे दिलो जान के मंजर खोल, तंग नजरों पे दिलो जान के मंजर मत खोल, दरे गम खोल मगर जात के बाहर मत खोल, दरे गम खोल मगर जात के बाहर मत खोल, तंग नजरों पे दिलो जान के मंजर मत खोल, दरे गम खोल मगर जात के बाहर मत खोल। एक और गजल का मतला है, अर्ज करता हूं कि मेरे सुखन मुझे ताज़ा खबर सुनाते रहें, मेरे सुखन मुझे ताज़ा खबर सुनाते रहें, नए परिंद मेरी छतरियों पे आते रहें, नए परिंद मेरी छतरियों पे आते रहें, मेरे सुखन मुझे ताज़ा खबर सुनाते रहें, नए परिंद मेरी छतरियों पे आते रहें। बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अर्ज कर रहा हूँ कि एक और मतला आपकी खिदमत में पेश है। ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं कि कोई शबनम से गुल पर लिख रहा है, कोई शबनम से गुल पर लिख रहा है,
सहर मेरी गजल का तर्जमा है, सहर मेरी गजल का तर्जमा है। कोई शबनम से गुल पर लिख रहा है, कोई शबनम से गुल पर लिख रहा है, सहर मेरी गजल का तर्जमा है, सहर मेरी गजल का तर्जमा है। मतलों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, एक इससे पहले कि मैं गजल पेश करूं, एक और मतला मुलाहजा फरमा लीजिए। कहता हूं कि आँख में जिसके कोई नक्श रवानी का न हो, आँख में जिसके कोई नक्श रवानी का न हो, खाक का कैसे कहें उसको जो पानी का न हो, खाक को कैसे कहें उसको जो पानी का न हो। आँख में जिसकी कोई नक्श रवानी का न हो, आँख में जिसकी कोई नक्श रवानी का न हो, खाक का कैसे कहें उसको जो पानी का न हो, खाक का कैसे कहें उसको जो पानी का न हो। दोस्तों बहुत शुक्रिया, ये कुछ मेरी ताज़ा गज़लों के मतले थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब सिलसिला गज़लों का शुरू करता हूँ और पहली गज़ल जो आपको सुनाना चाहता हूँ, उस गज़ल का मतला पेश करता हूँ। मतला पेश खिदमत है कि फूल पतझड़ के खबरदार भी हो सकते हैं, फूल पतझड़ के खबरदार भी हो सकते हैं, ये उजड़ जाने के आसार भी हो सकते हैं, ये उजड़ जाने के आसार भी हो सकते हैं, फूल पतझड़ के खबरदार भी हो सकते हैं, ये उजड़ जाने के आसार भी हो सकते हैं। और शायद देखिए आज के जो हालात हैं कोरोना वायरस के, उस तनाजुर में एक शेर है कि टूट कर मिलते हैं मेहमान से इस शहर के लोग, टूट कर मिलते हैं इस टूट कर मिलते हैं मेहमान से शहर के लोग, आप इस शहर में बीमार भी हो सकते हैं, टूट कर मिलते हैं मेहमान से इस शहर में लोग, आप इस शहर में बीमार भी हो सकते हैं। और ये ख़ास तौर से एक शेर, बहुत सीधा सादा सा शेर है लेकिन आता है, शेर सुनिए कि आप चाहें तो सियासत पे भरोसा कर लें, आप चाहें तो सियासत पे भरोसा कर लें, आप चाहें तो समझदार भी हो सकते हैं, आप चाहें तो समझदार भी हो सकते हैं, आप चाहें तो सियासत पे भरोसा कर लें, आप चाहें तो समझदार भी हो सकते हैं। और एक और शेर गज़ल का शायद आपको पसंद आए, शेर देखेंगे, इस कदर रौनक बाजार ज़्यादा है कि हम, इस कदर रौनक बाजार ज़्यादा है कि हम
जरा ठहरे तो खरीदार भी हो सकते हैं, जरा ठहरे तो खरीदार भी हो सकते हैं। इस कदर रौनक बाजार ज्यादा है कि हम जरा ठहरे तो खरीदार भी हो सकते हैं। और देखिए इसी गजल का एक और शेर है, मुलाहजा कीजिए कि उसका कुछ ठीक नहीं अगली मुलाकातों में, उसका कुछ ठीक नहीं अगली मुलाकातों में, जितने इकरार हैं इनकार भी हो सकते, उसका कुछ ठीक नहीं अगली मुलाकातों में, जितने इकरार हैं इनकार भी हो सकते हैं। और हज़रात इस गज़ल का मक्ता, इस गज़ल का आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप मुजरिम नहीं, आप मुजरिम नहीं, ये जुर्म ही काफ़ी है मियाँ, आप मुजरिम नहीं ये जुर्म ही काफ़ी है मियाँ, आप अरशद हैं गिरफ्तार भी हो सकते हैं, आप अरशद हैं गिरफ्तार भी हो सकते हैं, आप मुजरिम नहीं ये जुर्म ही काफ़ी है मियाँ, आप अरशद हैं गिरफ्तार भी हो सकते हैं, फूल पतझड़ के खबरदार भी हो सकते हैं, ये उजड़ जाने के आसार भी हो सकते हैं, फूल पतझड़ के खबरदार भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस गजल के बाद एक और गज़ल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को लुत्फ आ रहा होगा और यकीनन आपका ज़ोक़ मेरी हौसला अफज़ाई के लिए काफ़ी है कि आप यहाँ मौजूद हैं और मुझे सुन रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और गज़ल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और इस गज़ल का जो मतला है, मुलाहजा फरमाएं आपके लिए ख़ास तौर से अर्ज करता हूँ कि गुल चराग हवा ने नहीं किया, गुल सब्र का चराग हवा ने नहीं किया, दुनिया से होगा क्या जो खुदा ने नहीं किया, दुनिया से होगा क्या जो खुदा ने नहीं किया, गुल सब्र का चराग हवा ने नहीं किया, दुनिया से होगा क्या जो खुदा ने नहीं किया। और शेर देखें कि उलझेड़े और भी थे मगर ये कसक रही, उलझेड़े और भी थे मगर ये कसक रही, जख्मों का इंदेमाल दवा ने नहीं किया, जख्मों का इंदेमाल दवा ने नहीं किया, उलझेड़े और भी थे मगर ये कसक रही, जख्मों का इंतेमाल दवा ने नहीं किया। और शेर देखिए कि इस बार भी न बांधा लहू पर किसी ने बंद, इस बार भी न बांधा
किसी ने लहू पे बंद, और इस बार भी करिश्मा दुआ ने नहीं किया, इस बार भी करिश्मा दुआ ने नहीं किया, इस बार भी न बांधा लहू पर किसी ने बंद, इस बार भी करिश्मा दुआ ने नहीं किया। और ख़ास हालात के पेश नज़र ये एक शेर के बलवाइयों में मेरे ही चेहरे के अक्स थे, बलवाइयों में मेरे ही चेहरे के अक्स थे, पेवंद खाक मुझको कज़ा ने नहीं किया, पेवंद खाक मुझको कज़ा ने नहीं किया, बलवाइयों में मेरे ही चेहरे के अक्स थे, बलवाइयों में मेरे ही चेहरे के अक्स थे, पेवंद खाक मुझको कज़ा ने नहीं किया। और इस शेर के बाद हजरात एक और शेर है कि गज़ल का रंग लिए हुए, गज़ल का शेर कि हम भूल जाते अपने बदन की मुसीबतें, हम भूल जाते अपने बदन की मुसीबतें, तंग इस कदर भी तेरी कबा ने नहीं किया, तंग इस कदर भी तेरी कबा ने नहीं किया, हम भूल जाते अपने बदन की मुसीबतें, तंग इस कदर भी तेरी कबा ने नहीं किया। और इस गज़ल का आखिरी शेर, ये शेर भी आपकी नज़र है और ख़ास तौर पर तवज्जो चाहूँगा। अर्ज़ किया है कि कलियों को मुस्कुराने की तरगीब देनी थी, कलियों को मुस्कुराने की तरगीब देनी थी, इतना सा एक काम सबा ने नहीं किया, इतना सा एक काम सबा ने नहीं किया, कलियों को मुस्कुराने की तरगीब देनी थी, इतना सा एक काम सबा ने नहीं किया, गुल सब्र का चराग हवा ने नहीं किया, दुनिया से होगा क्या जो खुदा ने नहीं किया, दुनिया से होगा क्या जो खुदा ने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और गज़ल जो आज के लिए ख़ास तौर से मैं लिख कर लाया हूँ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस गज़ल का जो मतला है, जो पहला शेर है, वो इस तरह है कि रोज़ एक शाह रहे रंजे सफ़र खोलते हैं, रोज़ एक शाह रहे रंजे सफ़र खोलते हैं, हमके हर रोज़ तेरी याद का दर खोलते हैं, हम के हर रोज़ तेरी याद का दर खोलते हैं, रोज़ एक शाह रहे रंजे सफ़र खोलते हैं, हमके हर रोज़ तेरी याद का दर खोलते हैं। और एक शेर शायद आपको पसंद आए कि अब तो ए दफ्तरे जां
मुझको भी फारिग कर दे। अब तो ऐ दफ्तरे जां मुझको भी फारिग कर दे। शाम आती है तो मजदूर कमर खोलते हैं, शाम आती है तो मजदूर कमर खोलते हैं। अब तो ए दफ्तरे जा मुझको भी फारिग कर दे। शाम आती है तो मजदूर कमर खोलते हैं। हम के हर रोज तेरी याद का दर खोलते हैं। और हज़रात एक और शेर इस गज़ल का, ये भी यकीनन एक एहसास है, एक कैफियत है आपके लिए, ख़ास तौर से पेश है कि खौफ के कौन से गुम्बद से हुए हैं आज़ाद, खौफ के कौन से गुम्बद से हुए हैं आज़ाद। ये परिंदे के न मिनकार न पर खोलते हैं, ये परिंदे के न मिनकार न पर खोलते हैं। खौफ के कौन से गुम्बद से हुए हैं आज़ाद, ये परिंदे के न मिनकार न पर खोलते हैं। हम के हर रोज़ तेरी याद का दर खोलते हैं। इसी गज़ल का एक और शेर, ये भी एक अजीब कैफियत है कि हम निकल जाते हैं एक और मुसाफत की तरफ, हम निकल जाते हैं एक और मुसाफत की तरफ। लोग जिस वक्त के सामाने सफ़र खोलते हैं, लोग जिस वक्त के सामाने सफ़र खोलते हैं। हम निकल जाते हैं एक और मुसाफत की तरफ, लोग जिस वक्त के सामाने सफ़र खोलते हैं। हम के हर रोज़ तेरी याद का दर खोलते हैं। और इसी गज़ल का एक शेर, कुछ थोड़ा सा अलग शायद आपको महसूस हो। ये ज़माना है कि नानी की पुरानी गठरी, ये ज़माना है कि नानी की पुरानी गठरी। लाख बच्चों से न खुल पाए मगर खोलते हैं, लाख बच्चों से न खुल पाए मगर खोलते हैं। ये ज़माना है कि नानी की पुरानी गठरी, लाख बच्चों से न खुल पाए मगर खोलते हैं। हम के हर रोज़ तेरी याद का दर खोलते हैं। और रात इस आपकी नज़र करता हूं कि कोई आसेब यकीनन है कि इस शहर के लोग, कोई आसेब यकीनन है कि इस शहर के लोग कुफले गोयाई न एहराम नज़र खोलते हैं, कुफले गोयाई न एहराम नज़र खोलते हैं। कोई आसेब यकीनन है कि इस शहर के लोग कुफले गोयाई न एहराम नज़र खोलते हैं। रोज़ एक शाह रहे रंजे सफ़र खोलते हैं। हम के हर रोज़ तेरी याद का दर खोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान, बहुत तवज्जो से आप हजरात ने सुना। मैं एक और गज़ल, एक आखिरी गज़ल
सुनाकर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और ये गज़ल जो है इसका मतला अर्ज करता हूँ कि पुकारता है सदा की तरह कोई चराग, सदा आवाज पुकारता है सदा की तरह कोई चराग है, आसपास हवा की तरह कोई चराग है, आसपास हवा की तरह कोई चराग पुकारता है सदा की तरह कोई चराग है, आसपास हवा की तरह कोई चराग। और अब ये शेर सुनिए कि सदा रहेगी कोई टीस मेरे सीने में, सदा रहेगी कोई टीस मेरे सीने में, जला रहेगा सदा की तरह कोई चराग, सदा हमेशा जला रहेगा सदा की तरह कोई चराग, सदा रहेगी कोई टीस मेरे सीने में, जला रहेगा सदा की तरह कोई चराग। और शेर देखिए कि ये तीरगी मेरी मंजिल को छू न पाएगी, ये तीरगी मेरी मंजिल को छू न पाएगी, रहेगा समत नुमा की तरह कोई चराग, ये तीरगी मेरी मंजिल को छू न पाएगी, रहेगा समत नुमा की तरह कोई चराग। और ये शेर देखिए कि जो चाहता है चहक उठें शब के सब तुयूर, जो चाहता है चहक उठें शब के सब तुयूर, तो गुल खिलाए सबा की तरह कोई चराग, तो गुल खिलाए सबा की तरह कोई चराग। जो चाहता है चहक उठें शब के सब तुयूर, तो गुल खिलाए सबा की तरह कोई चराग, है आसपास हवा की तरह कोई चराग। और इसी गजल का एक और शेर देखें कि ये किस सितारा बदन की तुलू, ये किस सितारा बदन की झमक हुई तुलू, के जल रहा है कबा की तरह कोई चराग, के जल रहा है कबा की तरह कोई चराग, ये किस सितारा बदन की झमक हुई तुलू, के जल रहा है कबा की तरह कोई चराग, है आसपास हवा की तरह कोई चराग। दोस्तों, इस गज़ल का भी और आज की इस महफिल का भी आखिरी शेर, शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि सुलगते जाते हैं आबादियों के जंगलात, सुलगते जाते हैं आबादियों के जंगलात, लगा हुआ है बला की तरह कोई चराग, लगा हुआ है बला की तरह कोई चराग। सुलगते जाते हैं आबादियों के जंगलात, लगा हुआ है बला की तरह कोई चराग, पुकारता है सदा की तरह कोई चराग, है आसपास हवा की तरह कोई चराग, है आसपास हवा की तरह कोई चराग। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
जन सरोकार मंच का भी और आप सबका भी कि आपने इतनी देर तक मेरी नज़्म और मेरे अशार को सुना। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।